नगर निगम के वार्ड क्रमांक 9 में स्थित शासकीय महाविद्यालय के पास अतिक्रमण को हटाने के लिए जेसीबी चलाई गई। इस कार्रवाई में शासकीय कार्यालय से महाविद्यालय की जमीन पर काबिज लोगों के अतिक्रमण को हटवाने के लिए दमो कलेक्टर तरुण राठी द्वारा जारी निर्देश पर कार्रवाई की गई है। इस पूरी कार्रवाई में राजस्व अमले में तहसीलदार, थाना प्रभारी, पुलिस बल सहित नगर परिषद का पूरा अमला मौजूद रहा, जिन्हें वर्षों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाया गया है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमणकारी 4 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे, जिनको हटाने के लिए 1 दिसंबर को नोटिस काटकर लोगों को बताया गया था, लेकिन इन्होंने प्रशासन के नोटिस को भी नहीं माना। जब इन्होंने प्रशासन के इस नोटिस को नहीं माना तब उसके विपक्ष में यह कार्रवाई की गई है। वहीं एक और लोगों का कहना है कि हरे भरे वृक्षों को भी नहीं छोड़ा गया। कॉलेज के सामने अतिक्रमण हटाने के दौरान कई सालों से लगे हुए आधा दर्जन पेड़ों को जेसीबी मशीन द्वारा उखाड़ दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक ओर केंद्र और प्रदेश सरकार पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रही है और पौधारोपण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, पेड़ पौधों को संरक्षित करने की बात कर रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हरे भरे पेड़ों को उखाड़ दिया गया और पेड़ पौधों की बर्बादी पर अधिकारी देखते रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, पलपल इंडिया।